बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग कटिंग है ट्रैक्टर का। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सेपरेट ऑयल के साथ पावर स्टीयरिंग मिलता है जो कि हाइड्रोलिक टाइप मिलेगा, वो भी कीमत बहुत ही कम है ट्रैक्टर की। इतनी कम कीमत ट्रैक्टर में भी आपको एडजस्टेबल सीट मिलती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी डबल पंप लगाकर नहीं देगी, डुअल पंप का इस्तेमाल करती है, जबकि डबल पंप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और कीमत ट्रैक्टर की बहुत ही कम है। रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस कीमत में आपको छोटा ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको 3500 हॉर्स पावर का पावर स्टीयरिंग के साथ डुअल क्लच ट्रैक्टर मिलेगा। तो वीडियो साथ बनाना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ घंटे वाले बटन को जरूर दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आपको इस श्रेणी में किसी भी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर से, तो इसके अंदर देख सकते हो जेके के 616 के फ्रंट टायर मिल जाते हैं। अगर हम रियर टायर की बात करते हैं तो इसके अंदर देख सकते हो ये भी जो कि जेके के मिलेंगे, जो कि मिलते हैं आपको 13628 के। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की तो इसके अंदर देख सकते हो नॉन एडजस्टेबल बहुत ही हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है। बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग को लेकर के तो इसके अंदर देख सकते हो इस श्रेणी में सबसे बेहतरीन पावर स्टीयरिंग मिलता है जो कि हाइड्रोलिक टाइप मिलेगा और ऑयल इसका सेपरेट चलता है। अभी हम बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देख सकते हो बहुत ही सुंदर लुक मिल जाता है जिसमें आपको दो स्क्वायर टाइप की हेडलाइट मिलेगी, प्रीत का 3D में लोगो मिल जाएगा, लगभग 80 किलो का बुलगार्ड मिलता है कंपनी फिट। इसका बोनट सिंगल पीस मिलेगा जो कि लॉक के साथ खुलता है और इस ट्रैक्टर की चाबी इसी में लगेगी, किसी और ट्रैक्टर की ना तो इसमें लग सकती है ना इसकी किसी और में लगेगी। तो अभी हम ट्रैक्टर को डायमेंशन वाइज देख लेते हैं, ट्रैक्टर कितना लंबा छोटा मिल जाता है। अगर हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो 3630 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। अगर हम ट्रैक्टर की चौड़ाई की बात करते हैं 1730 mm की ओवरऑल इसकी चौड़ाई मिल जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं हाइट की तो 2155 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल हाइट मिल जाती है। अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 405 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं व्हील बेस की तो 2000 mm का इसके अंदर व्हील बेस मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के वजन की तो 1890 किलो इस ट्रैक्टर के अंदर वजन मिलता है। तो एक उसका डायमेंशन था लंबा छोटा को लेकर के। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से देख लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ देते हैं कंपनी, और साथ ही साथ मैं आपको हाईलाइट करता चलूँगा इस ट्रैक्टर में आपको क्या क्या चीज़ ऐसे मिलते हैं जो किसी ट्रैक्टर में दूसरे में इस श्रेणी में नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हो बहुत ही अच्छे फेंडर मिल जाते हैं, आपको इंडिकेटर पर पार्किंग बल्ब मूवर मिलेंगे, दोनों फेंडर पर आपको ग्रैब रेल मिल जाती है, हमारा कोई पैसेंजर बैठता है बड़ी मजबूती से पकड़ के बैठ सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी सीट की तो 3500 हॉर्स पावर की श्रेणी में एडजस्टेबल सीट किसी किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी जो कि इसके अंदर भी मिल जाती है। और इसमें आप देख सकते हो CP PTO और Gen 1 PTO के अंदर दो तरह की PTO मिल जाती है जो कि इस श्रेणी में आपको नहीं देखने को मिलती। बात करते हैं इसकी क्लच की तो इसके अंदर देख सकते हो डुअल क्लच मिलेगा जो कि बहुत ही स्मूथ है, साथ ही देख सकते हो कितना हैवी ड्यूटी और बहुत ही अच्छा फुट स्टेपर मिल जाता है, इसमें हम पैर रखकर भी ऊपर चढ़ सकते हैं। बात करते हैं गियर बॉक्स की तो बहुत ही स्मूथ सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स फुल्ली कॉन्स्टेंटनेस गियर बॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के डीजल टैंक की तो किसी ट्रैक्टर के अंदर इतना बड़ा डीजल टैंक नहीं मिलेगा, इसके अंदर 67 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर की SFC की और PTO हॉर्स पावर की तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 271 ग्राम किलोवाट प्रति घंटे की SFC मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की PTO हॉर्स पावर की तो इसके अंदर आपको 31.2 हॉर्स पावर की PTO मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो वाटर सेपरेटर के साथ साथ 2 डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं, साथ साथ इनलाइन पंप मिलेगा, बोस का 3 सिलेंडर ट्रैक्टर अपना। और इसके अंदर देख सकते हो बहुत ही हैवी ड्यूटी इसके अंदर चूल्हा मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो लॉक के साथ बोनट खुलता है जो कि श्रेणी में किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ सिंगल पीस बोनट मिलेगा जो कि ऊपर की तरफ उठता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमने इसका बोनट खोले जो कि सिंगल पीस बोनट मिल जाता है, प्लस हाइड्रोलिक सिलेंडर जैक के साथ मिलेगा, इससे आपको अपना ट्रैक्टर देखना मेंटेन रखना बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके और नए फीचर की जो इसी ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर देख सकते हो ड्राई टैप डुअल एलिमेंट के साथ आपको एयर क्लीनर मिल जाता है जबकि आपको ओल्ड बाथ मिलता है, इसमें आपको 1 लीटर मोबिल ऑयल का जो खर्चा होता है हर सर्विस पर वो बच जाएगा। इसके अंदर चोक सेंसिंग भी दिखा रखी है इसके अंदर जो कि इसके अंदर ब्लिंक कर जाएगी अगर आपको ट्रैक्टर जब चोक हो जाएगा। बात करते हैं पहले हम इसके इंजन की, इसके अंदर एक चीज और फीचर दिखाता हूँ, इसके देख सकते हो पावर स्टीयरिंग का ऑयल सेपरेट मिलता है जो कि इस श्रेणी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं अब हम इसके इंजन की तो उसके अंदर इनलाइन 3 पंप मिलेगा जो कि बोस का होगा, 2781 cc का इंजन मिलेगा, 2100 rpm के साथ 3500 हॉर्स पावर की कैटेगरी ट्रैक्टर मिल जाता है जो कि बहुत ही जबरदस्त इंजन है, खुद का प्रीत का अपना इंजन है। इसके मैक्सिमम रेटेड आरपीएम 2250 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, इंजन वाइज ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करते हैं कूलेंट की तो इसके अंदर 9.5 लीटर कूलेंट चलता है पूरे इंजन के, रेडिएटर की बात करते हैं 500 ml का कूलेंट रेडिएटर टैंक भी देती है कंपनी। अभी हम बात करते हैं इसकी बोर स्ट्रोक की तो इसके अंदर 100 mm का बोर और 118 mm का इसके अंदर स्ट्रोक मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके टॉर्क की तो इस ट्रैक्टर से जितना टॉर्क किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर जो टॉर्क मिलता है वो मिलेगा आपको 155 Nm का और 20% का बैकअप टॉर्क निकाल देता है ट्रैक्टर अपना, ठीक है। अभी हम इसका बोनट बंद कर लेते हैं।
तो अभी हम इसके रेट एंड शेड देख लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर 35 एम्पीयर का ऑल्टरनेटर मिलेगा जो कि इसकी बैटरी चार्ज करने सफिशियंट है। डबल पंप मिल जाता है, बिल्कुल सेपरेट पंप देने का बेनिफिट ही होता है ट्रैक्टर के अंदर। कभी भी अगर इसके पंप में कोई समस्या आ जाती है तो आप इसे रिपेयर करा सकते हो, पूरा पंप असेंबली बदलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका समय और पैसा बच जाता है। नहीं तो 30 से 35 हज़ार रुपये पंप असेंबली आती है पूरी, और इसके अंदर आप रिपेयर करा सकते हो। इसके अंदर देख सकते हो इधर से इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है जो कि आपको 2.5 घंटे की सर्विस में चेंज कराना पड़ेगा। इसकी सर्विस की बात करते हैं तो इसके अंदर 7.5 लीटर ऑयल पड़ता है सर्विस के दौरान। आपको राइट हैंड साइड पर आपको साइलेंसर मिल जाता है, इसके अंदर देख सकते हो कंपनी सेफ्टी गार्ड के लिए इसमें हीट गार्ड प्लेट भी दिया लगा करके। 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्ट मोटर मिलेगी। इसकी चक्कर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5100 चक्कर मिलेंगे, और इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिल जाता है इसके अंदर देख सकते हो इधर, जो कि आपको हर 500 घंटे के अंदर मैक्सिमम चेंज करा देने चाहिए। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इधर बैटरी मिल जाती है इसके अंदर 12 वोल्ट की जो कि 88 एम्पीयर की होगी, और इसके अंदर दिखा रखा डू नॉट स्टेप यानी कि इस पर पैर रख करके ना चढ़े ना उतरे इस पर। बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो इसके अंदर ओएमए डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि मल्टी डिस्क ब्रेक है। पैर की एक्सेलरेटर बहुत ही स्मूथ है जो कि आपके बिल्कुल पैर की समान होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पीसीबीसी की भी आपके हाथ की पहुँच में मिलेंगे। तो अभी हम पीछे देख लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो इसके अंदर देख सकते हो बहुत ही हैवी ड्यूटी इसके अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। इस श्रेणी में इसकी इतनी लिफ्टिंग कैपेसिटी किसी ट्रैक्टर की नहीं होगी। इसमें 16 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और इसके अंदर एडजस्टेबल हिच मिलेगा, ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी ट्रॉली के अकॉर्डिंग। बात करते हैं पीछे, तो इसके अंदर देख सकते हो इंडिकेटर प्लस पार्किंग इंडिकेटर प्लस ब्रेकिंग लाइट बल्ब नुमा मिलेगी। साथ एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है, आपने कोई इंप्लीमेंट जोड़ना है खेती करनी हो काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए। बात करते हैं इधर, तो इसके अंदर देख सकते हो सिंगल पीस डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलेगा जो कि पूरे के पूरे हाउसिंग के साथ मिलता है। अगर हम आपको इस पर ट्रॉली चलानी है वो भी आपको आसान हो जाएगी चलानी। 3 टोपलिंग लिंकेज मिल जाएगी यानी कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड डेप्थ कंट्रोल के साथ, दोनों फेंडर में वाइब्रेशन ना हो लंबे समय तक चले इसके लिए कंपनी रोड भी लगा देती है। 7000 टोपलिंग के लिए इसमें यहाँ पर देख सकते हो होल्डर भी लगा देती है। बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर की गारंटी की, तो ट्रैक्टर के अंदर जो गारंटी मिलेगी वो मिलेगी आपको अलग अलग ऑप्शन है, 2 साल 2000 घंटे से लेकर के 5 साल तक जा सकती है। इसके अंदर देख सकते हो रिवर्स पीटीओ के साथ साथ आपको इसमें फ्रंट पीटीओ भी दोनों तरह की मिल जाएगी, 540 चक्कर निकाल के देगी। अगर हम बात करते हैं पीछे गियर बक्से के ऑयल की, तो इसमें 55 लीटर गियर बक्से में ऑयल आता है इसके। अभी आप देख सकते हो ऊपर आ चुके हैं, ऊपर से देखते हैं बहुत ही छोटा सा स्टीयरिंग मिल जाता है जिसके आपको स्टीयरिंग में ही आपको हॉर्न मिलेगा। इसका देने का बेनिफिट होता है किसान लंबे समय तक अगर खेती करता है या फिर रोड पर चलाता है तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट रोड पर रहता है, जिससे आपको दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। बात करते हैं चाबी की, तो 4 चाबी कुछ इस तरह की मिलेगी जो कि इसके 2 बोनट की होगी या 2 स्टार्टिंग की होगी। इस ट्रैक्टर की चाबी इसी में लगेगी, ना तो इसमें किसी और की लगती ना इसमें इसकी किसी और में लगेगी। एक बार हम इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, चाबी इसकी कुछ यहाँ लगेगी, लगता है देखने में जैसे कार की तरह लगती है। कितने अच्छा आरपीएम शूट करा ट्रैक्टर, एक बार हम इसकी स्टीयरिंग कटिंग देख लेते हैं। बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग कटिंग है ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। इसकी कीमत की बात करते हैं, ट्रैक्टर 5 लाख रुपए में आपको ऑन रोड मिल जाएगा इतने जबरदस्त फीचर के साथ।